knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planted on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. Yeah. Cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. भाई। तो इसका स्पेसिफिकेशन कैसा है, आप तुमको क्या अच्छा लगा वो पुराना से अभी नया वाला? भाई अपडेट तो बहुत किया गया है इसमें। हाँ, जैसे कि पहला जो एकदम देखने में आपको पता चलेगा। हाँ, वो है इसका डिस्प्ले। डिस्प्ले ओके, मीटर कौन सा था? एक ही था। हाँ, सेंटर में था। हाँ, और डिजिटल प्लस एनालॉग था। ओके, यहाँ पे भी डिजिटल प्लस एनालॉग है, लेकिन ये जो सेकेंडरी डिस्प्ले है ओके, यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन का सपोर्ट है ओके, विद ब्लूटूथ स्मार्टफोन सपोर्ट। हाँ, उसके बाद आपका जो ये कलर वगैरह देख सकते हो। हाँ, और ये कौन सा मॉडल है? ये सुपरनोवा है। सुपरनोवा ओके, और कितना कितना मॉडल मिलता है इसका? डरबॉल, स्टेलर और सुपरनोवा। ये टॉप मॉडल है? ये टॉप मॉडल। और दूसरा कुछ? और दूसरा ये जो आप देख सकते हो, ये थोड़ा प्रीमियम जैसा जावा स्टाइल ले गया है, मतलब ऐसे बोल सकते हो। ओके, तो और साइलेंसर में काफी चेंजेस किया गया है, क्योंकि जो इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर है ओके, ओके, वो बाहर मतलब बेसिक्स में बाहर ऐसे लटकता रहता है, लेकिन अंदर ही इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। ओके, तो एक सही बात। और इसका आवाज कैसा लगा आपको? आवाज काफी अच्छा है, मतलब ऐसा इरिटेटिंग वाला आवाज नहीं है। आवाज नहीं है, मतलब बेसी और काफी अच्छा वाला आवाज है। मतलब बहुत सारे लोगों को एनफील्ड का आवाज पसंद इसलिए नहीं आता, क्योंकि ज्यादा ज्यादा लाउड हो जाता है। ये ऐसा नहीं है। और ये मतलब अभी लॉन्ग राइड के लिए कैसा रहेगा आपके ख्याल से? के लिए अभी फिलहाल डायरेक्ट ऐसे बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ, काफी कंफर्टेबल होने वाला है। ओके, क्योंकि इसलिए डायरेक्ट प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो मैंने करीब 5 से 6 किलोमीटर ही चला है। ओके, ओके, ओके। लेकिन एजम्पशन ये कर सकते हैं कि काफी ये कंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि इसका जो हैंडल बार है काफी वाइड है और टुवर्ड्स द राइडर है। ओके, ओके। सीट आप देख सकते हो काफी बहुत कंफर्टेबल है, एज यू कैन सी, और काफी ज्यादा रूम है, रूम के लिए काफी रूम आपको प्रोवाइड करता है। ओके, ओके। विद बैक सपोर्ट और एबीएस आपको दोनों तरफ मिल जाता है, और डुअल चैनल एबीएस मिल जाएगा आप लोगों को, इधर देख सकते हो। और दूसरा कुछ स्पेसिफिकेशन? दूसरा कुछ आपका इंजन का वही 27 एनएम। ओके, ओके। और इंजन भी काफी मतलब
किया गया है, उन्होंने कोई ऐसे स्पेसिफिकली बोला नहीं, लेकिन काफी ट्यून किया गया है जिसके वजह से। और वाइब्रेशन है कि नहीं वो मेन रीजन, रिफाइन लेवल मतलब टॉप नॉच। आपको ऐसा अगर ये वगैरह हटा दो और आपको पट्टी बांध के आपको बाइक अगर चला के देखा हो तो आपको लगेगा नहीं कि ये एनफील्ड की बाइक है। ओके ओके, मतलब वाइब्रेशन कुछ भी नहीं है, वाइब्रेशन ना के बराबर है। ओके,